एक वाहन चालक जो गलती से किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है और बाद में पुलिस को उस बारे में सूचित करता है या पीड़ित को नजदीकी अस्पताल ले जाता है, उस पर हाल ही में बनाए गए भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधान के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। बीएनएस के अनुसार जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सड़कों से दूर रहने वाले कुछ ट्रक चालकों की आशंकाओं को गलत बताकर खारिज करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि हिट एंड रन मामलों का प्रावधान केवल उन वाहन चालकों पर लागू होगा जो पुलिस को बिना बताए भागने की कोशिश करेंगे। अधिकारी ने कहा, दुर्घटना की सूचना पुलिस को देने वाले चालक पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि वाहन चालक को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उस पर हमला किया जा सकता है तो वह निकटतम पुलिस थाने जा सकता है या टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर सकता है और दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकता है। ऐसे मामलों में वाहन चालक को बस पुलिस को गाड़ी का नंबर, संपर्क विवरण देना होगा और बताना होगा कि जरूरत पड़ने पर वह जांच में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के कड़े प्रावधान लागू नहीं होंगे। उनके मुताबिक वाहन चालक अगर पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से भागता है तो कानून के सख्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह नशे में गाड़ी चलाने और उसके बाद दुर्घटना के मामलों में भी कड़ा प्रावधान लगाया जाएगा। हिट एंड रन मामलों में सजा को 10 साल तक बढ़ाने का नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में कहा कि जो वाहन चालक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी, पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया।